नमस्कार, मैं अपर्णा गुरुशाला टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के संवाद में। आज का संवाद का विषय है शिक्षा में रंग का उपयोग, कला के माध्यम से शैक्षणिक शिक्षण, यानी एडिंग कलर्स टू एजुकेशन एकेडमिक टीचिंग थ्रू आर्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे साथियों को बताना चाहूँगी कि गुरुशाला प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडस टावर्स लिमिटेड एंड वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, वो है कि किस प्रकार से हम कला और रंग का हमारी क्लासरूम्स में उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि कलरिंग हेल्प्स इन एनहांसिंग मोटर स्किल्स ऑफ द चाइल्ड? आर्ट हेल्प्स इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस मच मोर केयरफुली वाइल कंस्ट्रक्टिंग प्रोजेक्ट। तो जानते हैं कि आर्ट को इंटीग्रेट करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट बेस्ड आइडियाज जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं उनको बेहतर कैसे किया जाए। अब मैं हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर गौरव जुयाल, और हम सब उन्हें जानते ही होंगे डिज्नी इंडिया के फेमस शो आर्ट अटैक से, जिसके होस्ट मिस्टर गौरव रह चुके हैं। मेरे को याद है कि मेरी क्रिएटिविटी काफ़ी बेहतर हुई है गौरव जी के इंटरेस्टिंग आइडियाज से। ही हैज़ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 9 ईयर्स। करंटली मिस्टर गौरव इज अ लेक्चरर एंड वन ऑफ द फाउंडिंग फैकल्टी एट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अंडर JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर। साथ ही साथ ही हैज़ ऑल्सो हेल्प अस इन लर्निंग फ्रॉम हिज लाइफ लेसन्स एट TEDx टॉक्स। वेलकम मिस्टर गौरव। Hi Pranam, and thank you Gurushala for inviting me here. I'm really happy to share my experience. मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपना आइडियाज और जो हम आज आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस रहा है अराउंड एजुकेशन अराउंड आर्ट डिज़ाइन, तो वो इनपुट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी हेयर। थैंक यू सो मच अपना। वेलकम गौरव सर। अब गौरव सर हमें हमारी टीचर्स को बताना चाहेंगे क्या आइडियाज वो लेके आए हैं एक बेहतर इन्हांसिंग टीचिंग प्रोसेस को अडेप्ट करने के। जब हमारे सारे शिक्षक घर से पढ़ा रहे हैं और बच्चों के साथ डू एट होम एक्टिविटीज शेयर कर रहे हैं। So, मैं आपको स्ट्रेट अवे, बिकॉज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैंने आर्ट इंटीग्रेशन जो प्रोग्राम है या फिर आर्ट को हम क्लासरूम्स में कैसे लेके आए, इसका जो एक वेबिनार मैं काफ़ी बार ले चुका हूँ, और ये काफ़ी इंटेंसिव वेबिनार रहा है। पहले दो दो घंटे तक ये वेबिनार रह चुका है, लेकिन आज मैं कंप्रेस करूँगा आप लोग के लिए कि थोड़ा जल्दी इसको हाफ एन आवर में आई कैन किस मैं इसको कम्प्लीट करूँ आपके लिए। सो वेलकम ऑल, अभी फॉर्मल आपके लिए एक इन्विटेशन है कि Welcome to the art integration program in everyday classroom. मतलब day to day classroom में हम art integration कैसे कर सकते हैं? एक बहुत quick brief, जैसे कि अपर्णा ने बताया मेरे बारे में, मैं National Institute of Design का एक alumni हूँ, या मैं आप बोल सकते हैं मेरा graduation वहाँ से है, और around 10,000 students अभी तक मैं over सात nations मैंने first hand उनको mentor कर चुका हूँ, और art attack मेरा एक background है जिससे वजह से आप काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। और कई लोग होता है कि जैसे तो मेरा एक्चुअली पहले आर्ट अटैक या आप बोल सकते हैं मीडिया के साथ रूबरू हुआ मैं, उसके बाद मैं एजुकेशन में आया, एंड ये ऑनलाइन वीडियो जो थे मेरे उस वो एक बहुत प्रॉब्लम था कि मैं क्यों एजुकेशन में घुसा, बिकॉज आई रियलाइज कि मैं ऑडियंस के साथ वैसे भी काम कर रहा हूँ पहले थ्रू कैमरा और उसके बाद हैंड्स ऑन वर्कशॉप, तो फिर मुझे लगा कि इसका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और मैं दोनों इंटरनेशनल स्कूल्स में भी पढ़ा चुका हूँ और विलेज स्कूल, मतलब लास्ट ईयर मैं जैसलमेर में एक साल मैंने पढ़ाया दरबारी वर्ल्ड ऑफ स्कूल, जो कि एक काफ़ी छोटा एक दरबारी गांव में एक छोटा स्कूल था, और मैं क्लास टीचर भी रह चुका हूँ, तो क्लास टीचर बनने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी डिफरेंट था मेरे लिए। और अभी जैसे मैं फाउंडिंग फैकल्टी और लेक्चरर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में, जहाँ की बैचलर ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम हमारे पास है, एंड मेरा जो मेन फोकस है वो यही है कि करिकुलम कैसे बिल्ड करना है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैसे बिल्ड करना है, और लर्निंग कल्चर कैसे बिल्ड करें हम लोग, क्योंकि आर्ट इंटीग्रेशन पे भी हम अगर आ रहे हैं तो इसका मेन फोकस यही है कि हम कैसे वन साइडेड लर्निंग और टीचिंग ना रहे,
क्योंकि अगर सारा अगर फैकल्टीज या टीचर्स के ऊपर हमारा फोकस है कि यही पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, तो लिमिट हो जाएंगे हम लोग। लेकिन अगर हम ऐसे सिस्टम्स बना दें कि बच्चे खुद अपनी लर्निंग भी कुछ हद तक आके लेके जा सकते हैं, तो फिर दोनों टीचर्स और बच्चे या फिर स्टूडेंट्स ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, तो एक काफ़ी बेहतर हम एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक सवाल है कि पहली बात स्टूडेंट्स या बच्चे क्यों, क्योंकि तो हमारा जो प्रोफेशन है वी डील विद स्टूडेंट्स जो यंग, यू नो जैसे हम बोलते हैं कई बार 0 to 17 मान लीजिए ये, या 1 to 17 या 4 to 17 जो भी आप बोलेंगे रेंज, ये बहुत क्रूशियल एज होती है। और क्यों एजुकेशन क्यों, तो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट सिटीजन है, मतलब पहले नागरिक हैं दुनिया के, राइट। जो पहला अभी कोई बच्चा पैदा हुआ वो पहला नागरिक बन गया है, और उनका जो स्टेट है, उनका जो हमको जितने भी एजुकेशन के थ्रू या फिर लर्निंग वैल्यू सिस्टम देंगे, उससे फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड होगा, राइट। कि जो अभी हम करंट पॉपुलेशन को हम जिस तरह से एजुकेट कर सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड कैसा दिखेगा। तो इसलिए हमारा रोल बहुत क्रूशियल है, इसलिए स्टूडेंट्स भी बहुत क्रूशियल हैं। और टीचिंग जो है बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, कई सारे देशों में इसको यू नो प्राइमरी जो सबसे उच्च उपाधि का एक प्रोफेशन मानते हैं, तो टीचिंग को ही मानते हैं। क्योंकि कई देशों में ये भी बोला जाता है कि हर एक दूसरा प्रोफेशन को पढ़ाने के लिए भी टीचर होता है, मतलब इंजीनियर भी टीचर्स ने क्रिएट करे, से डॉक्टर्स भी, चाहे वो टीचर्स भी डॉक्टर होंगे, बट टीचिंग एज अ प्रोफेशन ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, सो एवरी अदर प्रोफेशन, हर दूसरा प्रोफेशन या करियर या जॉब टीचर्स के थ्रू होके जाता है। तो जैसे डॉक्टर्स लाइव्स बचाते हैं, उनको भगवान मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स पे वो नोबडी, सब लोग जाना नहीं चाहेंगे डॉक्टर पे, जहाँ पे इमरजेंसी होती है वहाँ पे। लेकिन टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है कि आपको स्टूडेंट को भेजना ही पड़ेगा उसके थ्रू, तो इसलिए हमारा जो रोल है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है पूरी दुनिया में। तो इसलिए एजुकेशन और स्टूडेंट्स का ये रेलेवेंस जो हमने सेट किया। अब बात आती है कि आर्ट इंटीग्रेशन क्यों, तो आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। आप जरा ये जो मेरे सामने डेटा है, इसमें कुछ कंट्रीज के नाम है लेफ्ट में और राइट में, उनका कार्बन डाइऑक्साइड जैसा जानते हैं, जो हम भी एक्सहेल करते हैं अपने ब्रेथ के साथ, हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं, तो CO2 एमिशन जो है ये फैक्ट्री के थ्रू, कार के थ्रू, सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये CO2 एमिशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एटमॉस्फेयर या प्रकृति में छोड़ते हैं हम लोग। तो हर कंट्री का अलग अलग इसमें आंकड़ा है कि कितना कौन सी कंट्री ने क्रिएट किया है ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आप कोई भी चार कंट्री के आप ये वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको 6 सेकंड देता हूँ अभी। कोई भी एक दो चार कंट्री पकड़ी है, उसकी चार वैल्यूज, ये अलग अलग साल की वैल्यू आप कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको अभी बोलूं कि बिना चार्ट के मुझे बताइए कि आपने क्या वैल्यू मेमोराइज करी, तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। कई लोग कर पाएंगे लेकिन मोस्टली लोग नहीं कर पाएंगे, और उससे आपको क्या समझ में आएगा वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ आपको इस मैप के थ्रू दिखाऊं, और मैं आपको इतना ही बोलूं कि जितना डार्क कलर है इस मैप में, वो कंट्री ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, तो आपको कितनी देर लगेगी ये पॉइंट आउट करने में कि कौन कौन सी कंट्रीज ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, और सिर्फ ये नहीं कौन सी कम कर रही है, और कितना पूरा हमारे पास एक रेंज सामने है कलर के थ्रू, राइट। डार्क कलर मतलब ज़्यादा CO2, लाइट कलर मतलब कम CO2। तो कैसे एक विजुअल में यही डेटा जो कि टेक्स्ट में था, लेकिन विजुअल में हमें समझने में काफ़ी हेल्प हो गया इसमें, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ अपनी आगे की प्रेजेंटेशन में भी, कि ये आर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम सीधा ड्राइंग और पेंटिंग का कंफ्यूजन ना रखें कि आर्ट्स का मतलब ड्राइंग पेंटिंग है, इसका मतलब बहुत कुछ है। और इसको हम बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया ये मैप का एक्सरसाइज, कि कैसे आप सेम आंकड़ा अगर टेक्स्ट में है तो डिफिकल्ट है हमारे लिए इंसानी लोग के लिए कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन वही अगर हम एक मैप में एक विजुअल में दें तो कैसे आपको समझ में अच्छी तरह आता है, ये हम समझेंगे पिक्चर सुपीरियोरिटी इफेक्ट। इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब है एक पिक्चर या इमेज या एक चित्र वो कैसे ज्यादा सक्षम है टेक्स्ट के अगेंस्ट, टेक्स्ट मतलब लिखित रूप के सामने, एक इमेज या एक चित्र क्यों ज्यादा इफेक्टिव है, या फिर आप बोलेंगे कि क्यों ज्यादा काम कर सकता है। उसका रीजन ये है कि अगर मैंने सर्कल लिखा है सामने, तो अगर एक स्टूडेंट के सामने मैंने लिखा सर्कल क्या होता है और उसकी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, तो
72 घंटे बाद 72 आवर्स के बाद सिर्फ 10% बच्चे याद रख पाएंगे कि मैंने बोर्ड पे सर्कल लिखा था, लेकिन अगर मैंने उसके सामने सब सामने एक सर्कल बनाया तो यही, और ये रिसर्च वर्क है, तो रिसर्च में ये पता लगा है कि 65% लोग वो चित्र जो सर्कल का है वो याद रख सकते हैं। और अगर हम ये दोनों चीज़ें मिला दें कि आप टेक्स्ट भी से भी पढ़ाएं और चित्र के तरफ से भी पढ़ाएं, तो ये और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो रिसर्च ने दिखाया है कि चित्र का सुपीरियोरिटी इफेक्ट, मतलब वो ज़्यादा सक्षम है एक टेक्स्ट के अगेंस्ट इंसान को समझने के लिए। अब इसमें एक और चीज़ है, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे हावर्ड गार्डनर, तो हावर्ड गार्डनर ने बोला कि हमारे यहाँ जो अभी आप देखेंगे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें दो तरह की इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। एक होता है लॉजिकल मैथमेटिकल, मतलब टेक्निकल मैथ्स हो गया, साइंसेज हो गए, कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं, फॉर्मूला समझ में आए कि नहीं, तो ये लॉजिकल मैथमेटिकल के अंदर आता है। दूसरा आता है वर्बल लिंग्विस्टिक, जो हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ डिबेट में अच्छा होना चाहिए, सामने अच्छी तरह आंसर करे, कॉन्फिडेंट हो। तो ये जितना भी हम जो एजुकेशन में ज़्यादा फोकस करते हैं ये सिर्फ दो इंटेलिजेंस हैं, लेकिन इस तरह के हमारे पास टोटल हावर्ड गार्डनर ने 8 इंटेलिजेंस का हमें एक रूप दिया है। इसमें क्या आता है, तो हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल तो हो गया और वर्बल लिंग्विस्टिक भी हो गया। वर्बल लिंग्विस्टिक जैसे मैंने बोला, शब्दों का जो शब्द स्मार्ट हो, वर्ड स्मार्ट बोलते हैं, जो शब्दों के साथ खेल सकते हैं, जो स्टूडेंट्स को बोलने में, लिखने में, डिबेट में कोई दिक्कत नहीं होती है, उनके लिए वो है। उसके बाद आता है एक इंटरपर्सनल स्मार्टनेस, मतलब कि पीपल स्मार्ट, जो लोगों के साथ बातें करके उनको समझ सकते हैं वो पीपल स्मार्ट लोग हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये अलग अलग जो स्मार्टनेस है ये एक्चुअली जॉब और करियर में कहाँ पे काम आएगी, ठीक है। तो कुछ लोग हैं वो दूसरों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, पीपल स्मार्ट, कुछ लोग हैं जो अपने शरीर को अच्छी तरह समझ सकते हैं, वो है बॉडी स्मार्ट, इसका टेक्निकल वर्ड भी है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडी स्मार्ट में क्या है कि जो एथलीट्स हैं जितने भी, जितने डांसर हैं, जितने परफॉर्मर हैं, जो अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी सिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, इंक्लूडिंग एथलीट्स, वो सब बॉडी स्मार्ट, ओके, इंक्लूडिंग आर्मी आप बोल सकते हैं। फिर है म्यूजिक स्मार्ट, तो जो लोग आप सोचते हैं अरे इसका तो म्यूजिक अच्छा है, लेकिन सब लोग म्यूजिक नहीं सीख सकते सेम लेवल पे, अलग अलग लेवल पे सब सीख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग म्यूजिक को समझते हैं। और आप ये भी समझेंगे कि आगे जाके इस प्रेजेंटेशन में कि म्यूजिक कितना स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकली या मैथ से कितना कनेक्टेड है म्यूजिक, ठीक है। तो कई लोग म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, कई लोग पिक्चर स्मार्ट होते हैं। नाउ पिक्चर स्मार्ट का मतलब दो चीज़ें हैं, विजुअल और स्पेशल। विजुअल मतलब जैसे चित्र, जो ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब में आता है, और स्पेशल मतलब 3D स्पेस, मतलब कमरे के अंदर अगर कोई समझता है कि 20x20 फीट का कमरा कितना बड़ा है, या वो ये समझता है कि वो अपने दिमाग के अंदर ही एक पूरा कमरे का डिज़ाइन क्रिएट कर सकता है और एक्यूरेटली उसको मैप कर सकता है, तो वो विजुअली स्पेशली स्मार्ट है। और इसका भी हम देखेंगे कौन से प्रोफेशंस में काम आता है। सातवां है सेल्फ स्मार्ट। सेल्फ स्मार्ट मतलब जो अपने आप को लोग समझते हैं, जो अपने, तो इंट्रापर्सनल बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे काम आता है, अब ये बोलोगे जो अपने इमोशंस को, अपने थॉट को, ये सब समझते हैं, ये लोग रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छे हैं, ये लोग फिलोसोफर और राइटर काफ़ी अच्छे बनते हैं, सेल्फ स्मार्ट पीपल। और आठवां है नेचर स्मार्ट। तो नेचर स्मार्ट में क्या होता है कि जो लोग एग्रीकल्चर, ट्रीज, इन सब को समझने के लिए, ये नेचुरली जो स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं, बड़े भी हैं इंसान, ये लोग नेचर स्मार्ट होते हैं। तो अब किसी भी इंसान में ये 8 मैंने आपको स्मार्टनेस बताई है, कोई एक अकेले काम नहीं करता, हमेशा मिक्स होगा। अब किसके अंदर, किस स्टूडेंट के अंदर कितना क्या मिक्स है, ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा, और ये खुद भी स्टूडेंट बता सकता है कि मुझे इन चीज़ों में आसानी होती है, इन चीज़ों में नहीं। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो वर्ड स्मार्ट है, जो लोग वर्ड्स के साथ स्मार्ट के स्मार्टनेस है, वो लोग राइटर, प्रेजेंटर, लॉयर या कमेडियन, ये चारों के लिए सेम स्किल्स हैं। उसी तरह जो नंबर स्मार्ट हैं वो साइंटिस्ट, अकाउंटेंट या इंजीनियर बन सकते हैं। बॉडी स्मार्ट जैसे मैंने बोला डांसर, एक्टर, एथलीट। पीपल स्मार्ट टीचर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन। ओके, आपको अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ पीपल स्मार्ट स्किल से ही आप डॉक्टर या वो बन जाएंगे, लेकिन ये एक स्किल बहुत ज़रूरी है उस प्रोफेशन के लिए। पिक्चर स्मार्ट आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, फोटोग्राफर और पायलट। तो कहने मैंने किसी ने सोचा नहीं था पायलट बनने के लिए आपको एक्चुअली में 3D स्पेस का ज्ञान या फिर आपको सेंस होना चाहिए मोर देन ज्ञान, ठीक है। और म्यूजिकल, जो म्यूजिक स्मार्ट है वो सिंगर, म्यूजिशियन, कंपोजर बन सकते हैं। और इंट्रापर्सनल जैसे मैंने बोला दूसरों के साथ जो डील कर सकते हैं वो राइटर, इंट्रा तो अंदर वाला है, और इंटरपर्सनल, सॉरी, जो पीपल स्मार्ट है वो लोग टीचर, डॉक्टर या
पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए है कि क्यों हम आर्ट इंटीग्रेशन लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा किसी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट नहीं है, हमारा मापने का जो एक नजरिया है वो बहुत हमारा नैरो हो रखा है। हमें ये ज्यादा स्मार्टनेस अपने टेस्ट करने के आप उसे मॉड्यूल या टेस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि आप सही मायने में अपने स्टूडेंट्स को समझ सकें कि वो एक्चुअली में किस चीज में अच्छा है। ऑलराइट, और आपको भी पता होना चाहिए कि इसको हम क्या रेकमेंड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए फॉर काउंसलिंग पर्पस, या किस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का मॉडल था ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सो अगर हमने ये अब बेस सेट कर दिया है कि दुनिया में काफी तरह के स्मार्ट लोग होते हैं और अलग अलग जगह की स्मार्टनेस अलग अलग प्रोफेशन में काम आ सकती है, अब वाई आर्ट इंटीग्रेशन और वॉट इज आर्ट इंटीग्रेशन। सो ये अपना कॉमन एजुकेशन मॉडल है जो हम सबको पता है, जिसमें नॉन आर्ट और आर्ट हम दो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अभी आर्ट का मतलब आप जानते ही हैं, एक्सप्रेसिव मीडियम, चाहे वो डांस है, म्यूजिक है, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ड्रामा है। ओके, नॉन आर्ट मतलब हमारे जितने भी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं, साइंसेज हो गए, ज्योग्राफी हो गया, मैथ्स हो गया, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो नॉन आर्ट में आता है। ओके, तो अभी हमारे मॉडल में क्या है, सबसे बड़ा गोला जो नॉन आर्ट का है, ये सर्कल जो बनाया मैंने, ये दिखा रहा है कि हमारा कितना ज्यादा फोकस उस पर है और कितना अमाउंट में हम उसको पढ़ाते हैं स्कूल में। उसके अंदर छोटा पार्ट एक लैब का होता है। तो आर्ट आप देख रहे हैं कहीं पे टच हो रहा है नॉन आर्ट के, क्यों? क्योंकि वो दोनों मिक्स हो रहे हैं थोड़ा सा, राइट? और एक छोटा कंपोनेंट ऐसे जो बाकी सर्कल छोटे छोटे गोले आपको नजर आ रहे हैं वो देखो, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, कुछ करिकुलम का पार्ट है, कुछ करिकुलम का पार्ट नहीं है। और जो छोटा सा आपको रेड डॉट दिख रहा है जिसमें मैंने एग्जाम लिखा है, अब वो दर्शा रहा है कि कैसे हमारा एक्चुअली टाइम स्पेंड या हम कितना रिसोर्सेज स्पेंड करते हैं एग्जाम में, एक्चुअली साल में बहुत कम टाइम स्पेंड होता है, लेकिन पूरा इवेल्युएशन पूरे साल का या 12 साल का इवेल्युएशन, 10 साल का इवेल्युएशन कि उसका इंटेलिजेंस कहाँ पे है, वो एक छोटा सा कंपोनेंट ऑफ एग्जाम सेट कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है जो हमें समझना चाहिए। और दूसरी चीज ये समझनी चाहिए कि आर्ट और नॉन आर्ट का क्या एक्चुअल मतलब है। आर्ट का मतलब है कि कुछ भी जो आपको एक्सप्रेस या आपका भावनाएं व्यक्त करने के काम आता है या फिर आपको हेल्प करता है। नॉन आर्ट का मतलब है जो आपको एक्सप्लेनेशन देता है चीजों का। तो अगर आप देखेंगे हाँ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता, और अगर ऐसे करेंगे तो आपको ये होना चाहिए, करेक्ट? एक सेम लैंग्वेजेस में भी कि ये हमारे एक वर्णमाला है या फिर ये हमारे अल्फाबेट्स हैं और इसका ये रूल्स हैं, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है कि एक लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करनी है। और अब हम देखेंगे आर्ट क्या है। तो आर्ट और नॉन आर्ट का जो इंटीग्रेशन की जो हम बात कर रहे हैं कि हम आर्ट को कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए पहले हमें आर्ट को एक दर्जा देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि वो है क्या, और वो एक सिर्फ ऐसा एक्सप्रेसिव एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्ट आपके पास फॉर्म और एस्थेटिक्स, एस्थेटिक मतलब एक सुंदरता का एक सेंस लेके आता है। कई लोग होते हैं जो बहुत आप बोलते हैं कितना सुंदर ड्राइंग बनाया है, राइट? तो वो सुंदरता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। ये पूरी फिलॉसफी है जो हमारे नवरस हैं, ये पूरी हमारी फिलॉसफी बन रखी है कि एक्चुअली में ये इमोशंस हैं। आप इमोशंस जहां पे डालेंगे आपको उस हिसाब से कुछ रिजल्ट आ सकता है। फिर मटेरियल टेक्निक, आप जानते हैं आर्ट के अंदर कैनवस भी है, आपके अंदर वुड भी है, केन भी है, क्ले भी है, कितने सारे मीडियम है हमारे पास। तो वो आपको मटेरियल किससे खेलने का एक माध्यम देता है आर्ट, और जैसे मैंने कहा एक्सप्रेस करने का, भावनाएं व्यक्त करने का एक मौका देता है आर्ट। और मीडियम, तो हमारे पास कई सारे मीडियम है आर्ट में, जैसे अभी हम आगे देखेंगे। और क्राफ्ट, क्राफ्ट को बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर टेक्निक किसने अगर डेवलप करी है, उसको अगर कोई सिखा सकता है तो वो क्राफ्ट है। बिल्कुल गौरव, मैं देख सकती हूँ आप काफी अच्छी तरीके से हमें इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट समझा पा रहे हैं। कुछ डाउट्स थे हमारे ऑडियंस के की स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। इसको मैं देख रहा हूँ कि कैसे इसको जूम आउट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन मोड में ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। अब ये बताइए, अगर ऐसा रहेगा तो क्या ये हेल्प करेगा आपको? बिल्कुल गौरव, थोड़ा सा अगर आप बॉटम में देखेंगे जूम आउट या जूम इन का ऑप्शन हो सकता है वहाँ पे, बट दिस इज डेफिनेटली मच, थैंक यू, दिस डेफिनेटली वर्क्स, दिस वर्क्स। ओके, मे बी दिस वर्क्स अ लिटिल। ओके, थैंक यू। सो अब नॉन आर्ट्स पे आते हैं। नॉन आर्ट्स क्या करता है हमारे साथ? नॉन आर्ट्स हमें कॉन्सेप्ट सिखाता है, फैक्ट्स देता है, उसका अप्लाई कैसे करना है उस कॉन्सेप्ट को, है ना, जो हम पढ़ाई में जितनी भी चीजें सीखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन और लॉज हमें देता है। तो अगर आप देखेंगे कि नॉन आर्ट आर्ट बहुत डिफरेंट चीजें हैं,
ये दोनों सेम है ही नहीं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि नॉन आर्ट्स होना चाहिए कि आर्ट्स होना चाहिए। तो जैसे मैं बहुत बुरा एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं आपको बोलूँ आपको रोटी चाहिए कि सब्जी चाहिए, राइट, आपको मिक्स करके खाएंगे तो एक स्वाद आएगा ना खाने का, सिर्फ एक चीज से, क्योंकि दोनों बहुत अलग चीजें हैं। अगर दो सब्जी को आप कंपेयर कर सकते हैं, आप पराठे और रोटी को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप रोटी और सब्जी को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक मिनरल्स दे रहा है, एक कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, तो मतलब वो केमिकल लेवल पे भी बहुत डिफरेंट चीजें हैं। इसलिए वो डिजाइन खाना उस तरह से किया गया था कि जिसमें पूरा पोषण आए। तो अगर आप पूरा पोषण की बात करेंगे तो इसलिए आर्ट्स और नॉन आर्ट्स का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। अब इसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्लाइड में कि क्या आर्ट्स के कितने माध्यम है हमारे पास आर्ट्स को लेके। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि विजुअल आर्ट्स एक अलग ही कैटेगरी है, मतलब विजुअल आर्ट्स में आता है सेरामिक्स, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर। सेरामिक्स मतलब क्ले के साथ काम करना, प्रिंट मेकिंग, डिजाइन, क्राफ्ट, फोटोग्राफी, वीडियो फिल्म मेकिंग, आर्किटेक्चर, ठीक है, ये विजुअल आर्ट्स है। लिटरेरी आर्ट्स मतलब पोएट्री हो गई, प्रोज हो गया, ड्रामा हो गया, ये लिटरेरी आर्ट्स है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब म्यूजिक, थिएटर, डांस। लेकिन ये तो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स के माध्यम है। अगर आप मॉडर्न देखेंगे तो अगर मैं आपको बोलूँ रैपिंग, जैसे आजकल काफी काफी एक्टर्स हैं, काफी फिल्में हैं, काफी यूथ के लिए काफी सारे आइकन्स हैं रैपिंग के, तो रैपिंग किसके अंडर आएगा? तो अगर आप नोटिस करेंगे रैपिंग में आपके पास लिटरेरी आर्ट्स आता है क्योंकि उसके अंदर पोएट्री, उसके अंदर शब्द हैं, उसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स आता है क्योंकि आपके सामने जब रैप करते हैं तो सामने परफॉर्मर भी रहता है। और अगर उसके अंदर आप अगर वीडियो अगर रिलीज कर रहा है रैपर तो उसके अंदर विजुअल आर्ट्स आ जाएगा क्योंकि फोटोग्राफी और वीडियो फिल्म मेकिंग है। तो कोई भी चीज अपने अकेले में एग्जिस्ट कभी नहीं करती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे नेचर हो, हमेशा एक मिक्स मिलेगा। आपको वो मिक्स आइडेंटिफाई करना है कि हर चीज किस चीज का मिक्स है। और उस तरह मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर हमारे पास कंप्यूटर टीचर्स हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग के, कि कोडिंग भी एक माध्यम है। अगर आप देखेंगे कोडिंग इन इटसेल्फ इज नथिंग, वो लैंग्वेज है। एग्जैक्टली जैसे आप इंग्लिश या हिंदी सीख के आप पोएम लिख सकते हैं, या फिर आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, या फिर एसे लिख सकते हैं। कोडिंग की भाषा सीख के आप प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। इनफैक्ट ये पावर पॉइंट जो प्रोग्राम है ये भी किसी ने कोडिंग लैंग्वेज में लिखा है। ये हम जो विजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं ये भी किसी कोडिंग में लैंग्वेज में लिखा है। जितने आर्ट के सॉफ्टवेयर है वो भी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा है। तो कोडिंग भी एक माध्यम है आपका एक आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए। उसी तरह ये सारे माध्यम है आपके आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए। अब वेज टू इंटीग्रेट आर्ट, ठीक है, अब मैं जब आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा उसमें ध्यान रखिएगा कि क्योंकि आर्ट इंटीग्रेशन या आर्ट के माध्यम से पढ़ाना हम सबके लिए नया है, तो चाहे छोटे बच्चों का एग्जाम्पल है, बड़े बच्चों का एग्जाम्पल, आप क्रॉस में यूज कर सकते हैं। जब किसी ने एग्जाम्पल इस्तेमाल करा ही नहीं लाइफ में तो उसके लिए वो नया है, और जब तक वो नया है वो काम करेगा। जैसे ही आइडियाज पुराने होंगे आपको नया आइडिया सोचने पड़ेंगे। ओके, तो लैंग्वेजेस पे जाते हैं, तो चाहे वो इंग्लिश हिंदी का भाषा से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाषा इटसेल्फ, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वो सॉरी मैंडरिन है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है। अब अगर आप देखें कि इमेजिनेशन ब्रिंग्स इनोवेशन, ओके, तो इसमें मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, माफ कीजिएगा। अगर आपको दिखाई थोड़ा कम देगा, मान लीजिए आप फोन पे हैं, तो प्लीज आप नोट्स ले लीजिए। अभी जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ आपके उसके नोट्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन ब्रिंग्स इनोवेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जितने छोटे बच्चे हैं स्पेशली यंग ग्रेड्स में, आप उनको जितना इमेजिनेशन का टाइम देंगे, तो हम बोलते हैं ना इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट कितना बोलती है, रिसर्च, साइंस, IITs, ये सब इनोवेशन के पीछे हैं। कोरोना की वजह से इनोवेशन कितने सारे हुए हैं। तो इनोवेशन तभी हो सकता है जब आप किसी को फ्रीडम देंगे इमेजिनेशन का, और ये नहीं बोलेंगे कि ये सही है गलत है, क्योंकि इनोवेशन क्या होता है ना, 100 चीजें निकलती हैं उसमें से एक यूजफुल चीज निकलेगी। इनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि वो जो भी सोचेगा हमेशा सही सोचेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, तो ये बहुत जरूरी है आपको देना अपने स्टूडेंट्स को। और ये हमारे ट्रेडिशनल कॉमन सिस्टम में काम नहीं करता, क्योंकि आंसर या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, करेक्ट। तो ये हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। इसलिए इमेजिनेशन को बिल्ड करने वाली जितनी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि ये वाला, कि अगर मैं ये सारे लेटर्स हैं, अगर आप देखें ब्रेक है, क्लॉक है, फॉल है, तो ब्रेक अगर मैं शब्द को तोड़ दिया तो क्या वो उस शब्द को और अच्छी तरह व्यक्त नहीं करेगा? या मैंने क्लॉक के बीच में अगर दो डंडियां डाली मिनट और आवर की, तो क्या वो क्लॉक को और ऑटोमेटिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या खुद अपने आप नहीं समझाएगा? या फॉल में अगर ए गिर रहा है तो क्या ये बच्चे या स्टूडेंट्स ढंग से नहीं समझ पाएंगे कि इस शब्द का मतलब क्या है? और यहाँ पे पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट जो मैं बोल रहा था, क्या ये सिर्फ शब्द नहीं रहा, ये एक इमेज भी बन चुकी है। तो ये एक आपको ये दिमाग खोलने के लिए एक्सरसाइज है कि कैसे हम शब्दों को हमें एकदम
उसी तरह नहीं देखना चाहिए जैसे कि वो बने हैं, उसको हम तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो क्रिएटिविटी है उसकी। दूसरा ये कि हम जब लिखने के लिए बोलते हैं तो फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे फॉन्ट होते हैं अगर आप देखेंगे लिखते हैं कोई भी, अगर डिजिटल उसमें चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहीं भी ईमेल भी लिखेगा तो फॉन्ट मिलते हैं, एरियल है, कैलिब्री है, कॉमिक सॉन्स है, तो अलग अलग लिखने की लिपि बोल सकते हैं ऑनलाइन। तो बच्चों को भी अलग अलग तरह से लिखने दीजिए ताकि उनको भी मजा आए अपनी खुद की लिपि ढूंढने। दूसरा लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं कि आपको हमेशा वो कंटेंट ढूंढना है जो उनके सराउंडिंग से आए। तो अगर आप छोटे बड़े बच्चों को अगर आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप प्राइमरी या प्री प्राइमरी को बोल रहे हैं कि आज हम अल्फाबेट सीखेंगे, तो जब वो अल्फाबेट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अपना नाम उठाना चाहिए, उनको मम्मी का पापा का नाम उठाना चाहिए, उससे नंबर प्लेट बना सकते हैं या नेम प्लेट, एक क्रिएटिव इंटरेस्टिंग कलरफुल नेम प्लेट बनाई अगर, तो उसको इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है उसको पता है उसका मतलब क्या है, वो कहाँ देखा है उसने, कहाँ सुना है उसको। उसी तरह अगर आपको नंबर सिखाना है तो अपनी कार का नंबर प्लेट उठाइए, अपनी बाइक का नंबर प्लेट उठाइए, छोटे बच्चों को उससे खेलने दीजिए, उसके लेटर्स को क्रिएट करके वो एक नई नंबर प्लेट बना ले, उसको याद हो जाएगा कि मेरे मॉम डैड की कार का नंबर क्या है, क्योंकि वो सेफ्टी सिक्योरिटी रीजन के लिए भी अच्छी बात है, स्कूल से बाहर निकले उनको पता लगेगा कि हाँ मेरे मम्मी, क्योंकि उनने उस नंबर के साथ खेला है। तो मैं ये बोल रहा हूँ जब भी आप अल्फाबेट और नंबर्स को उठाएंगे या कोई भी कंटेंट एक्चुअली सीनियर ग्रेड्स के लिए भी, तो वो उनके आसपास एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, उनकी सराउंडिंग, उनके घर से, उनके स्कूल के आसपास माहौल से ही आना चाहिए वो कंटेंट। अगर आप ऐसी चीज, अगर आप कैलकुलस पढ़ा रहे हैं लेकिन वो सिर्फ किताब पे ही रह गया, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कभी देखा ही नहीं, वहां पे वो रिडंडेंट, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है समझने की। दूसरा तरीका है, ये मैंने अपने जब मैं ग्रेड फोर का क्लास टीचर था, मैं साइंस पढ़ा रहा था और एक्चुअली मैं कॉमर्स टीचर हूँ, सॉरी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैंने साइंस नहीं ली थी जानबूझ के, बिकॉज मुझे अपने क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करना था। तो जब मैं साइंस पढ़ा रहा था तो मैंने उनको बोला, तो हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ा, हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, तो मैंने उनको बोला कॉमिक, आप कॉमिक बुक्स बनाइए, आपको मालूम है चाचा चौधरी ले लीजिए या फिर टिंकल ले लीजिए या फिर इतनी सारी कॉमिक्स के एग्जाम्पल है हमारे पास, आप कॉमिक्स के थ्रू दर्शाइए आपने क्या समझा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो लिख रहा है कि आई एम अ नेचुरल सैटेलाइट, मून लिखा है उसके ऊपर, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अब उसने मून लिखा है, उसने बोला आई एम अ नेचुरल सैटेलाइट, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसके पास एक्स्ट्रा उसकी जो स्किल्स है मुझे दिख रही है कि हाँ ये ड्रॉइंग अच्छा करता है, इसके पास विजुअल इंटेलिजेंस है और इसके पास कंसेप्चुअल इंटेलिजेंस भी है। उसी तरह से अब नए माध्यम भी आ गए हैं, ये अपर प्राइमरी या सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी ग्रेड्स के लिए बता रहा हूँ। लैंग्वेजेस में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे कि कैनवा, अडोबी स्पार्क, ये फ्री सॉफ्टवेयर है जिसमें कि स्टूडेंट्स अपने ग्राफिक्स बना सकते हैं, जो ग्राफिक्स आप सामने देख रहे हैं तो स्कूल मैगजीन हो गई, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि एक चैप्टर पे पूरी क्लास मिलके साथ में एक बुक प्रिंट करेगी जो कि वो सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स कवर करेंगी जो उस साल आपने करें, और लेट स्टूडेंट्स डिसाइड, उनको आप दे दीजिए कि वो खुद अपने हिसाब से डिजाइन आना चाहिए, उसमें टीचर इनपुट कम से कम आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचर इज ऑलरेडी ट्रेंड इन ग्राफिक डिजाइन। अगर ग्राफिक डिजाइन से टीचर नहीं है तो हमें थोड़ा ना कंट्रोल करना चाहिए अपने इंस्टिंक्ट को, अरे इसको ऐसा कर दो, इसमें कलर चेंज कर दो, अरे इसका ना ये नीचे कर दो, वो कम से कम कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप अपना इनपुट देंगे वहां पे आपके स्टूडेंट का इनपुट नेगेटिव हो गया या फिर खारिज हो गया, और वहां पे उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा ओनरशिप लेने का अपने काम का। तो जब आप ये एक्सरसाइज देते हैं तो स्टूडेंट्स को करने दीजिए, उनका जो रिव्यू है जब पूरा प्रिंट होके आ गया है, रिव्यू उसके बाद होगा, उसके बाद वो लर्निंग अगले बार अगले असाइनमेंट पर अप्लाई करेंगे। ये भी स्कूल मैगजीन का एग्जांपल है कि बच्चों को ही स्टूडेंट्स को अपनी स्कूल मैगजीन आगे ले जानी चाहिए, इसमें इतनी सारी लर्निंग है लैंग्वेजेस के लिए जो कि आप पूरे कवर कर, काफी कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं अपने करिकुलम से। फिर मैथ्स में आते हैं, तो मैथ्स में पहले तो हमें समझने की ये जरूरत है कि नंबर्स बहुत ना एक एब्सोल्यूट टाइप की चीज है, वन का मतलब वन है, जीरो का मतलब जीरो है, सेवन का मतलब सेवन है, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि आप नंबर को ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप नंबर को पेंट भी कर सकते हैं, आप नंबर को फोल्ड भी कर सकते हैं, आप जैसे देख रहे हैं सामने एग्जांपल है वो पेपर फोल्ड करके नंबर बनाए हैं, और आप नंबर को वीव कर सकते हैं या फिर जैसे हम बुनते हैं तो हम बुन भी सकते हैं नंबर को। तो अगर आप ये माध्यम दें, अब आप बोल सकते हैं कि अरे नंबर लिखना इतना जल्दी होता है, हम क्यों इतना टाइम देंगे करने के लिए, क्योंकि कोर लेवल जब वो अंडरस्टैंडिंग किसी चीज के बारे में ले रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, चाहे वो नंबर खुद से है, चाहे वो हायर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें अगर आप उसको एंगेजिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा रेंज ऑफ स्टूडेंट आपका बाहर चला जाएगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि वर्ड से समझ सकते हैं और लिखित रूप में समझ सकते हैं, सारे स्टूडेंट नहीं समझ सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हर स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटी है,
जैसे हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, तो वो नापने के लिए आपको उनको नए नए माध्यम देने पड़ेंगे सिखाने के, सीखने के, और अपना एक्सप्रेस करने के लिए आपने क्या सीखा है ये सीखने के लिए आपको वो भी देना पड़ेगा माध्यम, ठीक है। दूसरा, नेचर जो प्रकृति है उसके अंदर ज्योमेट्री और नंबर्स तो भर भर के हैं। अगर मैं भिंडी काटूंगा, भिंडी पेंटागन का शेप का आता है हमेशा जनरली, ओके, अनलेस तो म्यूटेशन हो गया और जेनेटिकली उसने शेप चेंज कर दिया, लेकिन आप पेंटागन नंबर अगर आपको 5 है, अगर किसी का आंसर 5 है, तो क्या वो स्टूडेंट पेंटागन का शेप बना सकता है? क्या ये आप फ्रीडम देंगे उनको? या फिर आप ये समझ लीजिए जो मधुमक्खी का छत्ता है वो एक हेक्सागनल ग्रिड है, तो जहां पे नंबर 6 या हेक्सागन आएगा या ग्रिड आएगा जहां पैटर्न्स आपको समझाना है, वहां पे आप प्रकृति से लीजिए और आपके घर पे ही आपको इतनी सब्जियां मिलेंगी। आप काटेंगे नींबू हो गया, वो भी एक सिमेट्री समझानी है, चाहे वो इंग्लिश का शब्द है सिमेट्री, चाहे वो मैथ का कॉन्सेप्ट है सिमेट्री, तो पैटर्न सिमेट्री, तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि आप कॉन्सेप्ट पे मत रहिए, आप इंटेंशन पे जाइए कि मतलब क्या था समझाने का और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहाँ कहाँ किस किस जगह से अवेलेबल है मेरे आसपास। जिस तरह से हम म्यूजिक की बात कर रहे थे, अब म्यूजिक में मैथ्स बहुत स्ट्रांगली अंदर आता है, इसमें बीट्स होते हैं, इसमें रिदम होती है, और बीट्स और रिदम दोनों ही एक पैटर्न फॉलो करते हैं। उसी तरह आप गिटार को देख सकते हैं कि इसमें पाइथागोरस रेशियोज आते हैं, क्योंकि जो ये नोट्स चेंज होती हैं इसके अंदर। अब मैं भी म्यूजिक का टीचर नहीं हूँ, लेकिन ये मैं समझ पाया हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर म्यूजिक का टीचर का अब इनपुट बहुत क्रूशल हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वो गाने सिखा रहे थे, उससे पहले वो बेसिक्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक भी सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथ्स के टीचर को म्यूजिक टीचर को बोलेंगे और मैथ्स टीचर जाके म्यूजिक टीचर के साथ मिलेगा, बोलेंगे यार हमें क्या आप बता सकते हैं मुझे कि मैथ्स आप कहाँ कहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरे सिस्टम में, आपके पूरे जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने आपके नो हाउ है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स भी आता है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी, पिच, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सारे म्यूजिक के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपको करना है, तो आपको ये जानना चाहिए कि जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको उसी मीडियम से ले जाएंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कॉमनली दूसरे मीडियम में भी है, आर्ट में भी वो कॉन्सेप्ट है और फिजिक्स में भी, नॉन आर्ट में भी वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि म्यूजिक उसको साथ में लेके आ रहा है, राइट? अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने जो वुडन फर्नीचर की बीडिंग आती है, जो कि हर फर्नीचर के साइड में रखती है, बहुत कॉमन अवेलेबल मटेरियल है, गांव से गांव में मिलेगा, शहर से शहर में मिलेगा, ये मटेरियल बहुत सस्ता भी होता है, रनिंग फीट में आता है। इसका अगर आप छोटे छोटे स्टिक्स काट लें, ये मटेरियल आप छोटे बच्चों को काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने 50 ऐसे छोटे वुडन ब्लॉक दिए हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, और बोला आप 10 वुडन ब्लॉक का एक स्ट्रक्चर बनाओ, 20 का एक स्ट्रक्चर बनाओ, और जो रिमेनिंग है 20 उसका एक और स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? इसमें क्या होगा, काउंटिंग आएगा उसको, बिकॉज काउंट करने पड़ेंगे, आप उसको और कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। फिर इसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आएंगे फॉर सीनियर ग्रेड्स, क्योंकि जब आप ऐसे चैलेंजिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जो आप देख रहे हैं, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, ये सब आता है, इनर्शिया आ सकता है। और बायोलॉजी अगर आप प्लांट स्टडी या वुड स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो वुडन स्टिक है इसमें आप डायरेक्टली फाइबर देख सकते हैं वुड का। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे मैथ्स के लिए। अब आते हैं हम लोग साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज पे। तो एक एग्जाम्पल है, इसका मैं वीडियो चलाता हूँ, आप शायद देख नहीं पाएंगे या सुन नहीं पाएंगे, विच इज ओके। इसमें क्या है कि ये बच्चे जो आप चल रहे हैं, ये स्कूल की मैपिंग कर रहे हैं, मतलब ये स्कूल का एक मैप बना रहे हैं, और मैपिंग करने के लिए आपको नापना पड़ेगा। तो इनको आप वो मत दीजिए, फीट होता है जो, मेजरिंग टेप की जरूरत नहीं है, रूलर की जरूरत नहीं है, ये अपने स्टेप्स में नापेंगे, और इनका एक स्टेप एक माध्यम, एक मीडियम बन जाएगा, या फिर कि एक स्टेप, तो अगर इन्हें स्कूल नापा तो बोलेंगे हमने ये हमारा स्कूल 200 स्टेप चौड़ा और मान लीजिए 500 स्टेप लंबा है, ठीक है? और उसके बाद ये मैप करना शुरू करेंगे कितने स्टेप्स में कौन सी बिल्डिंग, कौन सा शहर भी मैप कर सकते हैं, गाँव भी मैप कर सकते हैं। इसमें इनका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत सारे कवर होंगे, इनका राइटिंग कॉन्सेप्ट कवर होंगे, क्योंकि ये लिख रहे हैं एक एक जगह, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो हर एक दुकान के बारे में, स्कूल की ये जगह क्या है, कब खुलती है, कब नहीं खुलती। फिर मैपिंग एक्सरसाइज में ज्योग्राफी कवर होती है, मैथ्स कवर होता है, लैंग्वेजेस कवर होती है, ओके? उसके बाद हम आएंगे टॉयज पे। ये अरविंद गुप्ता हैं जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी मेकिंग सिंपल टॉयज पे डेडिकेट करी है, इनकी वेबसाइट भी है arvindguptatoys.com। अब ये जो वेबसाइट है ये आपको बताती है कि कैसे, क्योंकि सिंपल टॉयज है ना, इसमें कई सारे मैथमेटिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। प्लीज आप वेबसाइट चेक कीजिए arvindguptatoys.com। आई विल रन थ्रू, अब थोड़ा तेजी से आऊंगा ताकि हम लास्ट का थोड़े क्वेश्चंस क्लियर रखें।
इसमें क्या है कि ड्रामा जो है, ड्रामा आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मीडियम है। हिस्ट्री तो है ही डेफिनेटली, राइट। एनैक्टमेंट होता है इसमें, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनको एक मौका मिलता है सामने आने का। किसी की आवाज़ अच्छी हो सकती है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, किसी का गाना अच्छा हो सकता है, कोई म्यूजिक दे सकता है, कोई बैकग्राउंड, यू नो, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो आप लार्जर कॉन्सेप्ट, नॉन आर्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए एक ग्रुप एक्टिविटी ड्रामा इज ब्यूटिफुल। ओके, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप पढ़ाने का तरीका डिफरेंट कर रहे हैं तो आपका एग्जाम सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने पढ़ाया एक तरह से है और एग्जाम सेम तरह से शब्दों में होगा तो अगेन उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अलग तरह से हुई है। तो अगर ये एग्जाम्पल है जिसमें कि बच्चे का एग्जामिनेशन में वो एक एप्पल दे रहा है, अगर आपने उसको एग्जाम्पल दिया कि ओके 7+4 कितना होता है, तो बच्चे ने एप्पल बनाया, उसमें 11 सीड्स लगा दिए उसने, और वो आपका एग्जामिनेशन खुद से है कंप्लीट, क्या आप तैयार हैं उसके लिए? आपको ये सोचना पड़ेगा एक बार कि आपके एग्जाम सेम नहीं हो सकते। अब ये एग्जाम्स क्या होंगे, जैसे साइंस फेयर होता है, तो साइंस फेयर में या फिर डेडिकेटेडली एक अलग फेयर हो या फिर एक एग्जीबिशन हो जिसमें कि बच्चे अपने लर्निंग कॉन्सेप्ट्स समझा रहे हैं और उनका लाइव वाइवा हो रहा है, जिसमें उनका वेदर उनने बनाया कि नहीं बनाया है वो आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या कैसे बनाया, क्या क्या कैलकुलेट किया, क्या थ्योरी पे चल रहा है वो सब। तो ये भी एक माध्यम है कि नॉर्मल एग्जामिनेशन जो रिटर्न होता है उसकी जगह हम लाइव प्रेजेंटेशन विद वाइवा रख सकते हैं। अब मैं आपको अपना जो गाँव का एक्सपीरियंस जो मैंने बताया स्कूल में पढ़ाने का वो समझाऊंगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल देगा कि मटीरियल आपके पास नहीं है, फंड्स लिमिटेड है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे। तो जैसे ये एक एग्जांपल था कि मैंने गांव में एक बार बच्चों को सिर्फ पत्थर दिए, मैंने बोला था तो पत्थर को आप साथ में लाइन लगा लगा के आप एक चित्र बनाने का कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने उनको स्पाइरल में बस कुछ पत्थर लगाए और बाकी चित्र उन्होंने खुद बनाया अपने दिमाग से। अब अगर ये इतना चित्र बना सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड, तो इस माध्यम से आप बहुत सारी चीजें भी क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली रेत हो गई, अब रेत में छोटे बच्चों के लिए और मॉडल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बहुत ही अमेजिंग ये एक मीडियम है जो कि सब जगह अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता है। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें छोटे बच्चे ने, अब राजस्थान में बहुत कॉमन है कि ये लोग ट्रैक्टर बनाते हैं, छोटे छोटे टॉय ट्रैक्टर घर की चीज़ों से, कई चारपाई का पाया ले लिया, बड़े लोग भी बनाते हैं। तो छोटे बच्चे ने चप्पल काट के, दो डंडी लगा के, उसमें पत्थर लगा के और एक और चप्पल लगा के पूरी कार एक ट्रैक्टर बनाया अपने लिए, क्योंकि कल्चरली है ये सिस्टम है। मैं यही लर्निंग मीडियम की बात कर रहा था कि एक एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें सब लोग अगर कुछ कुछ करते रहें तो स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का। तो अगर आप लिमिटेड हैं मटेरियल में, अगर आपका स्मार्ट लर्निंग नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लेकिन आपके जो ऑब्स्टिकल ब्लॉक्स हैं, आपके जो रुकावटें हैं, वो आप क्रिएटिव थिंकिंग से पार कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से रिपेयरिंग का मैंने एक चाल चलन चलाया था अपने स्कूल में कि सब अपना रिपेयर करेंगे फर्नीचर, तो बेसिक टूल्स दे दिए उनको और वो सब बैठ के अपना फर्नीचर रिपेयर कर रहे हैं। तो हफ्ते में एक दिन मान लीजिए क्लास का और स्कूल का रिपेयर का काम चलता है। इससे बहुत अलग तरह की नॉलेज है जो एक्चुअली सीनियर स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होगी, क्योंकि ये टूल्स की जब आप बात करते हैं इसमें लीवर्स आते हैं, इसमें 3 काइंड ऑफ लीवर्स हैं अपने पास और फोर्स आता है, बहुत सारे वर्क एफर्ट ये सब कॉन्सेप्ट आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। एक और तरीका ये है जो सॉफ्ट टॉय मेकिंग है, तो छोटे बच्चे जो है, बड़े बच्चे जो है सीनियर ग्रेड्स के, वो अपना सॉफ्ट टॉयज बनाए जो कि किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी बच्चों के लिए इस्तेमाल करें स्टोरी टेलिंग के लिए। तो जो काम बड़े बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वही काम अगर आप फिर से यूज करेंगे तो उनको भी खुशी होगी कि हमारा एक्चुअली काम का कुछ पर्पस है, कुछ एम है, कुछ हो रहा है उससे। अब क्विकली हाउ टू इंटीग्रेट, करें कैसे इसको, आपको सबसे पहले एक अपनी टीम बनानी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने एक कॉन्सेप्ट, पहले आप कॉन्सेप्ट चूज कीजिए, आपने बोला हम लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट चूज करेंगे, आप क्विकली एक टीम असेंबल कीजिए जिसमें नॉन आर्ट और आर्ट दोनों के टीचर्स हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो फिजिकल आर्ट टीचर उसको बुलाएं, इसमें आप पोएट भी बुला लीजिए, आप इसमें म्यूजिक टीचर भी बुला लीजिए, इसमें आप यू नो फिजिकल एजुकेशन टीचर भी बुला लीजिए। अब ये टीम रिव्यू करेगी कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं और कौन सा माध्यम चूज कर रहे हैं आर्ट का। तो कॉन्सेप्ट नॉन आर्ट हो गया और माध्यम जो चूज करेंगे वो आर्ट का करेंगे। उसके बाद हम एक्टिविटी स्टूडेंट्स को देंगे और स्टूडेंट्स जब एक्टिविटी करेंगे उसका इवैल्यूएशन भी जरूरी है, और वो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप दो स्लाइड्स बाद सिखाऊंगा इवैल्यूएशन कैसे करना है। उसको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा और आपको गूगल ड्राइव या ऑनलाइन कोलैबोरेटिव मीडियम आपको सीखने पड़ेंगे। देखिए अब ये आपके आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं, मतलब आपके फोन में गूगल ड्राइव जैसी चीज या जीमेल जैसी चीज इस्तेमाल करने का एक्सेस है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि
आप बार बार ईमेल नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक ड्राइव बना लीजिए जिसमें एक कोर्स का असाइनमेंट का सब लोग अपलोड कर देंगे, स्टूडेंट्स या टीचर्स अपलोड कर देंगे कि हमारे स्टूडेंट ने काम किया है, बाकी टीचर्स जो हैं वो उसको वहीं पे रिव्यू कर लेंगे। तो हमेशा वो हमेशा गूगल ड्राइव रहेगा। प्लीज अपने स्कूल में आईटी टीचर है उनसे सीखिए कि कैसे करना है इसको। ओके, हमें डेटा चाहिए, डेटा से ही आपको पता लगेगा आप कितना सही कितना गलत जा रहे हैं। उसके बाद इवैल्यूएट कैसे करना है, तो रूब्रिक का मतलब है कि इवैल्यूएशन स्कीम बोल सकते हैं आप। तो इसमें तीन चीजें हमारे पास हैं, एक है कंटेंट, नॉन आर्ट फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स लॉज जो हम सिखा रहे हैं, एक है प्रोसेस कि हमने जब एक स्टूडेंट को काम दिया या एक असाइनमेंट दिया तो वो किस तरह से उसने किया। क्योंकि हर अगर आप उतना फ्रीडम देंगे कि आप किसी भी तरह किसी आर्ट मीडियम में लेके आ सकते हैं, तो आपको अगर 23 स्टूडेंट अगर आपके हैं तो 23 पॉसिबिलिटीज आएंगी बाहर, सब लोग लिख के नहीं करेंगे इस बार। और तीसरा है प्रोडक्ट कि फाइनली जिसने बनाया वो दिखने में कैसा है। अब ये तीन अलग क्यों है इसकी बात करेंगे। कंटेंट तो है कि उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये तो आप समझ जाएंगे राइट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अभी तक एजुकेशन में यही था कि कंटेंट ढंग से डिलीवर हो, तो वो एक पार्ट हो गया। हमने मान लीजिए 100 में से 35% मार्क्स उसके दे दिए कॉन्टेंट के कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, 30% मार्क्स हैं प्रोसेस के कि मैंने जब दिया किसी को काम तो वो बच्चा कितनी ऑर्गेनाइज था, उसने कितना सोचा, उसने कितनी प्लानिंग करी, कितना ऑर्गेनाइज किया, कितना अब कितने लोग को रीच आउट किया, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है सीखने के लिए। तो ये आप मैप करेंगे, उसका आपने 30% दे दिया कि किसने आपको लगा कि यार इसने तो बहुत मेहनत करी है, इसने काफी डिटेल में जाके रिसर्च करी है, तो प्रोसेस हुआ। तीसरा है प्रोडक्ट। अब हो सकता है कि किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को कॉन्टेंट उतना समझ नहीं आया, लेकिन प्रोडक्ट उसका बहुत सुंदर है, उसने आर्ट में अच्छी स्किल्स है उसकी, उसने बना दिया, तो उसको उसके पॉइंट मिलने चाहिए क्योंकि वो उसका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाता है। इसका मतलब ये भी है कि आप हर बार एक आर्ट मतलब विजुअल आर्ट्स का आप माध्यम नहीं दे सकते हैं, कभी म्यूजिक का होगा, कभी विजुअल आर्ट्स का होगा, कभी ड्रामा का हो सकता है उस हिसाब से। और इसके भी 35% मार्क्स हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपके जो पुराने ए स्टूडेंट्स हैं कई सारे, जो कि आपके मान लीजिए पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारी पढ़ाई इस तरह से कि अगर मैं रट लूँ तो मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। अब उनके मार्क्स हो सकता थोड़े कम हो जाए, क्यों, क्योंकि आप अब प्रोसेस भी देख रहे हैं, प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, और बाकी ओवरऑल क्लास के जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे क्योंकि आप सबको मौका दे रहे हैं। आप अब एक तरह से मौका नहीं दे रहे हैं, आप 10 तरह से मौका दे रहे हैं सबको अपने इंटेलिजेंस दिखाने का। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या करना पड़ेगा स्कूल में, एक तो लीडरशिप अप्रूवल चाहिए प्रिंसिपल का, ट्रस्टीज का, जो आपके स्कूल के हैं, क्योंकि उनके अप्रूवल के बिना आप स्ट्रगल करेंगे बहुत इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, आर्ट इंटीग्रेशन लीडरशिप टीम होनी चाहिए। तो लीडरशिप टीम क्या करेगी, ओवरऑल लुक रखेगी कि जो पढ़ाई हो रही है या आर्ट इंटीग्रेशन हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, सही जा रहा है कि नहीं। तीसरा है कि विजन एक्शन प्लान होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या, सबको एक एकजुट होना पड़ेगा कि एक विजन में आना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको खुद का विजन प्लान होना चाहिए। फिर आपको आर्ट और नॉन आर्ट को बैलेंस करने के लिए एक बार मीटिंग करनी पड़ेगी, एक बार नहीं कई बार मीटिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपको किसको कितना वेटेज दें। फिर आपको खुद का प्रोफेशनल लर्निंग होना पड़ेगा ताकि आर्ट इंटीग्रेशन और अच्छी तरीके से करें, जैसे ये भी एक प्रोफेशनल लर्निंग हो रहा है आपके सामने हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे, और कोचिंग, तो वो भी लीडरशिप टीम को देखना पड़ेगा कि कैसे टीचर्स को आपका प्रोफेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाए। फिर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका फोटो खींचिए, उसको लिखित रूप में ऑनलाइन होना ज़रूरी है। अगर आपके फ़ोन में है, आपके लैपटॉप में है, तो वो कोई नहीं देख सकता। आपने इतनी फोटोज खींची आज तक सबने, लेकिन कितने लोगों ने एक महीने पुरानी फोटो जाके देखी या एक साल पुरानी फोटो देखी, वो पड़ी रहेगी, कई बार फिर आप बैठ के डिलीट करते हैं सब कुछ, क्यों, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं है। लेकिन अगर फेसबुक में आपकी फोटो अपलोडेड है या इंस्टाग्राम पर अपलोडेड है, सब लोग देखते रहते हैं, आपको बार बार नोटिफिकेशन आता है इसने फोटो देखी है। इसीलिए गूगल ड्राइव जैसी चीज पे आपको काम डालना जिसमें बाकी फैकल्टी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अब सिर्फ वो सब्जेक्ट फैकल्टी इन्वॉल्व नहीं है, आर्ट इंटीग्रेशन के लिए आपका आर्ट टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, और जैसे मैंने बोला प्लीज फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि इसमें और ऑप्शंस और क्रिएटिविटी बाहर आएगी कि कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन से भी आप ज्योमेट्री पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तीसरा है डेटा और असेसमेंट कि आपने इवैल्यूएशन कर लिया स्टूडेंट्स का, उसके बाद आपको मैप करना पड़ेगा कि हमारे पास 23 स्टूडेंट्स थे, उसमें लास्ट ईयर जब आर्ट इंटीग्रेशन नहीं था तो ये मार्क्स हैं, आर्ट इंटीग्रेशन किया तो ये मार्क्स हैं, और हम कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे हमें आगे इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये ना स्लो प्रोसेस है,
ऐसा मत सोचिए कि अगर आज आर्ट इंटीग्रेशन है कल से शुरू हो गया और परसों से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये मल्टी ईयर कमिटमेंट है और मल्टी ईयर ग्रोथ होगी, एवोल्यूशन होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम को कम से कम वैसे भी हमारा मोस्टली एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश या वेस्टर्न उससे आ रहा है, अभी करंट जो सिनारियो है जिसको ब्रेक स्ट्रक्चरिंग है इसका, और तो उसको हमने अडॉप्ट करने में कितने साल लगाए हैं, राइट? सैकड़ों साल हो गए हमारे वो सेम जो सिस्टम बाहर से आया फिर हमने यहाँ पे उसको अप्लाई किया। तो ये जो नया हम मौका दे रहे हैं स्टूडेंट्स को अपना शाइन करने का, इसके लिए भी टाइम लगेगा। और सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब है कि आप ये प्रोग्राम एक साल काम करेगा तो कोई फायदा नहीं है, ये इस प्रोग्राम को सालों साल रन करना पड़ेगा तभी ये सक्सेसफुल होगा। अब ये कुछ रेफरेंसेज हैं जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, और ये एंड ऑफ द वर्कशॉप है जिसमें कि आई एम सेइंग कि लेट्स इंटीग्रेट लर्निंग, मतलब कि हमें ऑब्जेक्टिव है कि सब सीखें कुछ। कैसे सीखें उसका कोई एक या दो रास्ते नहीं है, उसके सैकड़ों रास्ते हैं और ये हमें दिमाग में रखना है। सो थैंक यू सो मच। आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझ पर रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है talk@gaurav.com। मेरी वेबसाइट में सारा एक्चुअली आपको ईमेल एड्रेसेस एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा जो कि www.gaurav.com, एंड फेसबुक का भी लिंक आपके सामने है और इंस्टाग्राम का भी। तो ये एक क्विक मैंने आपको 2 घंटे का जो मेरा सेशन था उसको मैंने हाफ एन आवर में 45 मिनट्स एक्चुअली कंप्रेस करा है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस बिफोर इट इज 1 आवर, एंड देन मे बी वी कैन ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर मोर क्वेश्चंस इफ नीड बी। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास अभी हैं उनमें ये है कि हाउ कैन आर्ट मेक हेल्प मेक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग, कि आर्ट कैसे कर सकता है। तो ये आपने इस प्रेजेंटेशन में देख लिया होगा कैसे हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट उठाए ऑफ नॉन आर्ट सब्जेक्ट्स एंड कैसे हमने आर्ट के थ्रू उसको अचीव करने की कोशिश करी है, चाहे वो 3D ज्योमेट्री मॉडल बनाना है, चाहे वो मैपिंग एक्सरसाइज है, राइट? चाहे वो नेचर में आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न्स और मुझे कहाँ पे मैथमेटिकल थ्योरम्स कहाँ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंडल ब्रॉड सेट करके चल इस पे नहीं जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रीवियस क्वेश्चन वॉज कि आर्ट कैसे इंटरेस्टिंग करेगा, वो तो हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में देख लिया है। ऑटोमेटिकली जब कलर आप जितने, अब ये एक और पॉइंट है कि जितने आप इंद्रियों को इस्तेमाल करेंगे, जितनी सेंसेस को आप इस्तेमाल करेंगे उतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो म्यूजिक से साउंड बेस्ड, राइट, आपका हियरिंग में इफेक्ट करता है, विजुअल से आंखों साइट का करता है, और पिक्चर सुपेरियरिटी इफेक्ट का एक रीजन ये भी था कि ना हमारा 50% ब्रेन विजुअल आई साइट के लिए डिजाइंड है, मतलब बाकी सारी प्रोसेसिंग चल रही है, चलना फिरना सुनना गाना वो सब चल रहा है, लेकिन 50% प्रोसेसिंग सिर्फ विजुअल ले रहा है, और 1/10 सेकेंड लगता है किसी एक विजुअल को समझने के लिए, लिखित रूप में नहीं, विजुअल। अगर मैं एक सेब की फोटो दिखा के हटा दूं तो 1/10 सेकेंड का टाइम चाहिए आंखों को समझने के लिए, तो ब्रेन उतना फास्ट है। हाउ कैन इट बी यूज टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग, मतलब कि मल्टीपल डिसिप्लिन की टीचिंग कैसे प्रमोट करेगा। हम कोई भी एक टास्क लेते हैं तो उसमें आप जितने सेंसेस का इंक्लूड करेंगे और जितना क्रॉस डिसिप्लिन, जितने आर्ट के मीडियम इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया। क्यों? उसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, उसमें मान लीजिए म्यूजिक भी इन्वॉल्व है, और उसमें एट द सेम टाइम हियरिंग का सेंस और साइट का सेंस भी इन्वॉल्व है। तो मल्टीपल होके वो ऑटोमेटिकली काफी एंगेजिंग हो जाता है। हाउ कैन आर्ट एक्टिविटी बी यूज्ड इन मेकिंग ऑनलाइन टीचिंग इंटरेस्टिंग? आपको वैसे भी मालूम है कि ऑनलाइन टीचिंग में ना बहुत वन साइडेड है, मैं आपके सामने नहीं हो सकता, हम लोग डायरेक्टली बातें नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं लेकिन फिर क्या होगा कि अगर 30 लोग की मीटिंग है कौन किससे बात कर रहा है वो काफी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। अनलेस मैं बोलूँ कि अब मैं XYZ से बात करूंगा या फिर मैं इस इंसान से बात करूंगा तो वो प्रॉब्लम है। प्लस मैं घर में ही हूँ, मेरा ऑफिस भी घर है, मेरा स्कूल भी घर है, मेरा क्लासरूम भी घर है, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अब इस बोरिंग नेचर या बोरिंग एनवायरमेंट को टर्न करने के लिए मटीरियल आर्ट म्यूजिक ये बहुत पावरफुल मीडियम है, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है आपको और एंगेज करता है ऑन दिस, क्योंकि ये माध्यम वैसे ही एक इंसुलेटेड माध्यम है। मैं आपको ना तो असली में देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, ये बस देख सकता हूँ, वो भी एक 2D प्लेटफॉर्म है, और सैडली मैं आपको देख भी नहीं सकता हूँ। तो लेकिन क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया इस तरह से तो वो थोड़ा एंगेजिंग कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए काम नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोर हो जाएंगे।
तो मुझे उनके लिए एक्सरसाइजेस डिजाइन करनी पड़ेगी। एक रिक्वेस्ट ये भी था कि हम यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करें, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि एक्सरसाइज करने के लिए टाइम लगता है, हर चीज को टाइम चाहिए। और ये लीडरशिप रोल को समझना चाहिए कि जितना टाइम आपको पिछले साल के जितने करिकुलम था, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए था, आर्ट इंटीग्रेशन के बाद ये टाइम और इंक्रीज हो जाएगा, आपको और टाइम चाहिए, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे टीचर जो वैसे ही कई बार ओवरवर्कड रहते हैं, ये तो और ओवरवर्क हो जाएंगे, तो ये बैकफायर करेगा, मतलब ये एक्चुअली नेगेटिव में काम करेगा। तरीका इसका यही है, मतलब मेरे आप लोग और क्रिएटिव हो सकते हैं, कि पहले आप करिकुलम को शॉर्ट करिए, सिर्फ कोर फंडामेंटल्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि हम ये पढ़ाएंगे पहले। उसके लिए साइड लर्निंग आर्ट इंटीग्रेशन का एक और फायदा यह है कि ना क्रॉस कनेक्शंस अपने आप बनते रहते हैं। मैं अगर म्यूजिक सीखने गया, या मैं एक्चुअली एम्पलीट्यूड सीखने गया, तो मैंने म्यूजिक भी सीख लिया, राइट? तो क्रॉस कनेक्शन की वजह से क्रॉस लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग बहुत होती है। तो आपको उसके पहले आपको अपना करिकुलम छोटा करना पड़ेगा ताकि आप टाइम दे सकें, क्योंकि एक्सरसाइजेस में टाइम लगता है। तो वी कैन ऑल्सो कीप, हम फ्यूचर में एक हैंड्स ऑन एक्सरसाइज रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो अभी कवर नहीं कर सकते। ओके, एनी क्विक टिप्स फॉर टीचर्स टू इनकॉर्पोरेट कलर्स इन डेली टीचिंग? कलर्स का आप ये भी सोचिए, कलर्स ना आपका एक तो इमोशंस पे काम करते हैं, ये एक कलर थ्योरी आपको समझनी चाहिए, ठीक है? कुछ कलर्स आपको गर्मशील बोलते हैं, कई लोग शीतकालीन टाइप्स कलर होते हैं, कालीन नहीं बोलूँगा, शीत, मैं हिंदी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, सॉरी, मैं मिशनरी में पढ़ाऊँ, लेकिन कुछ आपको ठंडा करते हैं, कुछ आपको गर्म करते हैं कलर्स। दूसरा, हम एंगर को, गुस्से को कई कलर से कोरिलेट करते हैं, हम खुशी को कई कोरिलेट करते हैं। तो ये ना फ्रीडम ऑफ चॉइस दीजिए कि कैसे कलर्स आपका एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। क्लासरूम में अगर आप कलर लेके आए, फिजिकली कलर लेके आए, उससे भी एंगेजमेंट बढ़ जाता है। तो इमोशंस और कलर का बहुत गहरा नाता है, इसमें बहुत रिसर्च भी हो चुकी है, इस पर भी थोड़ा पढ़िएगा। उसके बाद, इज देयर स्पेसिफिक एज टू स्टार्ट आर्ट इंटीग्रेशन? नहीं, कोई एज नहीं है। हम लोग आर्ट इंटीग्रेशन, अब यह ना आप शब्दों में मत फंसिएगा, स्टेम लर्निंग भी आर्ट इंटीग्रेशन है एक तरह से। आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब अगेन इज नॉट ओनली फिजिकल आर्ट। हम जो कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लर्निंग को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सीखने का एक माध्यम नहीं है, इसका मतलब एक ये है। और सीखने के लिए जो भी चीज आपको इस्तेमाल में आ रही है वो इस्तेमाल कीजिए। अगर आइसक्रीम वाले को लाना है, अगर अकाउंटिंग सीखने के लिए, तो आइसक्रीम वाले को लेके आइए। उसका एक अकाउंटिंग का ये भी मैं बोल रहा था कि आप अपना खुद का बजट एलोकेट कीजिए, पैसा कलेक्ट कीजिए, और बच्चों को खुद की चीज़ें खरीदने के लिए पूरा वो बजट रखेंगे, साल का खर्चा वर्चा वो सब कुछ, तो वहाँ से आप प्रॉपर लेजर शीट पर उसको मेंटेन कराइए। तो आर्ट इंटीग्रेशन एसेंशियल है छोटे बच्चों के लिए, बट बड़े बच्चों के लिए भी और एसेंशियल है, क्योंकि वो हायर कॉन्सेप्ट बहुत बोरिंग होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे वो सीखने के लिए। और छोटे बच्चों को आप बॉम्बार्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी मसल मोटर स्किल्स अभी तक डेवलप नहीं होती हैं, और हम चार चार साल के बच्चों को एक्सपेक्ट करते हैं वो लिखना सीखेंगे, ये एक्चुअली बहुत क्रूर है। तो मैं बोलूँगा कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, आई नो प्रेशर स्कूल से आता है या मैनेजमेंट से आता है, तो सही प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना आपका काम है एज अ टीचर, ये हमारी ड्यूटी है, इसके लिए हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक रेवोल्यूशन होना चाहिए एज अ टीचिंग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसमें एक एक्सरसाइज ये थी आप लोग के लिए, आप सोचिएगा एक बार, बचपन से लेकर अभी तक आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं स्कूल के बाहर। अब मुझे मालूम है आपके दादाजी ने, आपके पापा ने, आपके मम्मी ने, दादी ने, नानी ने, नाना ने, आपके बच्चों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, टेंजिबल तरह से भी बहुत सिखाया है, इमोशनल तरह से भी बहुत सिखाया है। तो अगर आप इतना सारी चीज़ें सीख रहे हैं स्कूल के बाहर, तो मतलब सीखना इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल। और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है कि पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि बच्चे लोग पहले स्कूल से बाद में सीखेंगे, पहले घर पे सीख रहे हैं। और वो घर पे क्या सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं, वो सीख रहे हैं कि जब प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे डील करना है, हाउ डू आई डील विद माय इमोशंस, क्योंकि कुछ भी होगा वो इमोशंस के थ्रू ही जाता है। अगर मैं आज बैठा हूँ, मुझे काम आया सडनली, मुझे रिसर्च वर्क करना है जिसमें बहुत कंप्यूटेशनल साइंस के काफ़ी कुछ, आई एम सेइंग कि एक मैथमेटिकल साइंटिफिक रिसर्च पेपर है, अब इसमें अगर मेरा मूड खराब है फॉर वॉट एवर रीजन, और मुझे आता नहीं है अपना मूड, तो मैं नहीं कर सकता काम। आप कुछ भी करेंगे वो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा तो बुरा आएगा। तो आप इमोशंस और लर्निंग को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, और इसलिए आपको समझना पड़ेगा एक इमोशनल थ्योरी है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, इसमें आता है चार नेचर्स आते हैं ह्यूमन नेचर, फ्लेगमैटिक, सैंग्विन,
कोलेरिक और चौथा मैं भूल रहा हूँ ऑन द टॉप ऑफ माइंड। अगर आप पर्सनालिटीज की तरह समझें बच्चों को तो आप काफी कुछ काम कर सकते हैं, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि ये बच्चे का पर्सनालिटी, क्योंकि वो काम क्यों नहीं कर रहा है उसकी पर्सनालिटी से आ रहा है, वो लेजी नहीं है। और आपको ग्रुपिंग दिख जाएगी कि एक्चुअली में ये बार बार सेम काइंड ऑफ नेचर के बच्चे बार बार आएंगे, हर साल आएंगे। तो अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये बच्चा काम नहीं करता है, वो बिल्कुल लेजी है, सबका मन सुंदर है। लेकिन अगर आप उनको पर्सनैलिटी की तरह देखेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा ये पर्सनैलिटी और ये पर्सनैलिटी का बच्चा सेम है, और इनका काम करने का तरीका सेम है, इनके साथ प्रॉब्लम्स भी सेम आ रही है हमें जो डील करने की है। उस तरह से कुछ बहुत गुस्सैल बच्चे रहते हैं, राइट, ये पर्सनैलिटीज हैं, आपको पढ़ना चाहिए। तो इस पर हम एक और सेशन भी कभी कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि कैन इंक्लूडिंग कलर्स बी थेरेप्यूटिक फॉर क्लासेस, हाउ कैन इट अफेक्ट द एनवायरमेंट ऑफ द क्लास। सो आर्ट थेरेपी का भी आपने नाम सुना होगा, आर्ट ऑटोमेटिकली थेरेप्यूटिक होती है। इसके दो कारण है। हमारे यहाँ जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली इंडिया में, उसका एक मेजर कारण ये है कि हम चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियों हैं उनको एक्सप्रेस करने का मौका देते ही नहीं है। किसी भी स्कूल में कोई ये नहीं बोलता कि हाँ अपने मन में जो आपको सही लगता है गलत लिखा है उसको व्यक्त कीजिए, नहीं होता। अगर वो करने लग गए तो बच्चे आर्ग्यू करेंगे टीचर के साथ। लेकिन मैं एक डिज़ाइन टीचर हूँ और हमारे यहाँ कल्चर क्या है, हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो मैं NID से आया हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, हमारा कल्चर था कि हम प्रोफेसर्स को टीचर्स को सर नहीं बोल सकते। उसका कारण क्या था कि वो चाहते हैं कि हम उनके लेवल पे आके बात करें या वो हमारे लेवल पे आके बात करें। पॉइंट यह था कि सब एक लेवल के हैं, अगर सब एक लेवल के होंगे जिसका मतलब है मेरा स्टूडेंट मुझे सिखा सकता है और मैं अपने स्टूडेंट को सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। इसमें एक तो टीचर्स को अपना औहदा बढ़ाना पड़ता है, औहदा का मतलब है अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ती है सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि अगर सडनली मुझे अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर दिया और मुझे नहीं आता तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बोलता हूँ कि मुझे हर चीज़ की नॉलेज नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हैं इस पर मैं कल आऊँगा आपके पास थोड़ा पढ़ के। और जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आजकल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, जो हमारे गुरु शिष्य वाली जो हमारी रिलेशनशिप थी वो थोड़ी चेंज हो गई है। पहले गुरु थे तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जाता था और ऑटोमेटिकली उनकी बात सुननी है, लेकिन आज के स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि नहीं आप पढ़ाने लायक योग्य नहीं है मुझे। और ये एक्चुअली अच्छी बात भी है। इसका अच्छी बात यह है क्योंकि हमारे टीचर्स, हम सब लोग, मैं भी टीचर हूँ, मैं कॉलेज और स्कूल दोनों जगह ही पढ़ाता हूँ और पूरी एज ग्रुप, मैं 5 ईयर से लेके 50 ईयर्स तक पढ़ाता हूँ, ओके, पूरा एक स्पेक्ट्रम कवर करता हूँ। तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या है, ये हमें पुश करता है कि मुझे डेली अपडेट होना है, मुझे जाके पढ़ना है अपना, ऐसे ही जाके ना सेशन दे दूँ। मैं हम सब लोग प्रिपेयर करके आते हैं अपने सेशन के लिए। तो अच्छा टीचर बन के जो एक, और इसका रिवॉर्ड कुछ नहीं है, आपको सैलरी उतनी ही मिलने वाली है, रिवॉर्ड इतना ही है कि आप जब जाएंगे जो एक रिस्पेक्ट, जो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट स्टूडेंट भी आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी बात मानते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं, मानते की बात अलग है, आप उनकी बात सुनते हैं और आप ऑनेस्ट हैं अपने काम के बारे में। आप उनको चैलेंजिंग काम देते हैं, आप उनको अलग अलग तरह से काम देते हैं, तो वो जो एक रिस्पेक्ट है आप पूरी क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं फ्रॉम अनदर काइंड ऑफ, फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप, इंटेलेक्चुअल इमोशनल रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट। So, yes, so art is very essential to our learning and iske saath hi main apni taraf se it's 4:58, so I'm successfully ending my session 2 minutes prior to given time, and kuch bhi question hai I've shown my my email address, please reach out to me, and is field mein hame chahiye ki thodi training ho, wo sab definitely, because लेकिन कोलैबोरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लीज अपने टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कीजिए। एज अ टीचर हमें अपना ईगो साइड में रखे ना, हम सबको एकजुट होके, क्योंकि हायर पर्पस है स्टूडेंट्स का भला, उनकी भलाई, उनका ट्रू पोटेंशियल बाहर निकालना। तो उस ऑब्जेक्टिव के साथ विल प्रोसीड टू आर्ट इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच गौरव जी, आपने काफी इनसाइटफुल आइडियाज दिए कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आर्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली वंडरफुल, मतलब इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, आई हैड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल। नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट सेक्शन, वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस, और मैं चाहूंगी कि आप यू शुड टेक ऑन दोस क्वेश्चंस। सो सबसे पहला जो सवाल है मुक्ता मैम ने पूछा है कि हाउ कैन वी टेक ऑनलाइन आर्ट एग्जाम इफ इट्स पॉसिबल। ट्राई किया मैम, दिस इज अ वेरी न्यू फील्ड, कोविड सिचुएशन एंड ऑनलाइन इज अ न्यू फील्ड फॉर एवरीवन।
अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन चल ही रहा है, सब लोग अपना अपना तरह से कुछ कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए जब मैंने बोला कोलैबोरेशन क्यों, क्योंकि आपकी लर्निंग अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, गुरुशाला पे डाल रहे हैं या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है आपके लिए, इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपकी लर्निंग से मैं सीख सकता हूँ। आप बोलेंगे कि मैंने ये ट्राई किया, बच्चों ने ये सब किया, तो अभी क्या है डिजाइन से मैं क्यों लेके आ रहा हूँ इनपुट्स, क्योंकि हमारा डिजाइन इज वेरी मटीरियल इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। अब हम भी ये चैलेंजेस के हैं, हम वर्कशॉप में काम करते हैं काफी सारा विद ऑल मटीरियल, फैब्रिक से भी काम करते हैं, वुड से भी काम करेंगे, मेटल से भी काम करेंगे। अब घर में ना आप क्या कीजिए कि हाउस होल्ड में जो आसानी से मटेरियल मिलते हैं, एक तो वो आइडेंटिफाई कीजिए, स्टेशनरी आइडेंटिफाई कीजिए, अमेजोन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जो इजीली अवेलेबल उसका स्टेशनरी लिस्ट अरेंज कर लीजिए, ताकि जो जो बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए ये बहुत पॉसिबल है कि हस्तक की दुकान वाले के पास ना हो लेकिन अमेजोन डिलीवर कर रहा हो उसको उसको, तो मतलब कि छोटे शहरों में भी जहाँ पे कि फिजिकली अवेलेबल नहीं है मटीरियल लेकिन अमेजोन पहुँचा देगा उधर, तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा पेपर और कॉरोगेटेड एक ऐसा मटेरियल है जो सब जगह मिल जाता है, पुराने कार्टन, छोटी स्टिक्स, कबाब स्टिक्स आती हैं, झाड़ू की स्टिक्स आती हैं, कलर्स हैं, पेपर है, तो इसके अंदर ये दो तीन चार मटेरियल में ही बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। और आप सामने कैमरा चालू करके ये भी कर सकते हैं, आपके पास एक घंटा है दो घंटा है, सामने सामने बैठ के बनाइए, ओके, एंड ऑल मीटिंग्स आर रिकॉर्डेड ऑल्सो, रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी है, तो आप सामने कई सारे हैंड्स ऑन मटीरियल बेस्ड आर्ट बेस्ड तो लर्निंग ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अब इसमें ना टाइम थोड़ा सा जाएगा कि स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अब इसलिए मैंने बोला कि आर्ट इंटीग्रेशन डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लेगा आपके नॉर्मल टीचिंग से, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा लीडरशिप को और उनसे ज़्यादा टाइम डिमांड करना पड़ेगा। और उस टाइम में एक तो ये है कि बच्चे ने क्या बनाया वो आपने एवेल्युएट किया, जैसे मैंने बोला था रूब्रिक प्रोडक्ट का, तो वो आपने तो डायरेक्टली आप फोटोग्राफ देख के भी कर सकते हैं। एक है कॉन्सेप्ट कि वो कॉन्सेप्ट लिख के भी, उसने प्रोजेक्ट दिया और उसका कॉन्सेप्ट भी लिख दिया कि इसमें मैं ये कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, राइट अप, तो उसमें लैंग्वेजेस भी कवर हो गए कि ये कॉन्सेप्ट में मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने ये फॉर्म या शेप इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसका मतलब ये है और मैंने ये कलर्स इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि इसका मतलब ये है, तो वो आपका एक कॉन्सेप्चुअल लेवल कवर हो जाएगा। और प्रोसेस के लिए आप अलग राइटअप भी कर सकते हैं कि आपने क्या प्रोसेस अपनाया, आपने जब स्टार्ट किया तो आपने पहले 5 मिनट में क्या किया, फिर 15 मिनट में क्या किया, फिर 20 मिनट में क्या किया, तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो उस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये हमें फीडबैक चाहिए आप सब टीचर्स के साथ की तरफ से कि इसका फीडबैक क्या है और इसको हम और स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं। गौरव, अगला जो सवाल है वो है सितारा मैम की तरफ से, वो पूछ रहे हैं कि क्या स्कूल स्टूडेंट को क्राफ्ट पहले से ही सिखानी चाहिए, अगर हम एज को फैक्टर करें कि राइट एज क्या हो सकती है, बच्चे को कब से आर्ट इंटीग्रेशन होना चाहिए बच्चों के साथ। सी, अगर आप किसी भी प्री प्राइमरी टीचर से बात करेंगे तो मॉन्टेसरी स्कूल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वो हमेशा मटेरियल सेंट्रिक रहते हैं, वो लोग प्ले पे जाते हैं, जो प्ले वर्ड है ना, प्ले स्कूल होता है, तो प्ले का मतलब है कि अगर आप किसी चीज में खेलने में आप खेलते हैं किसी चीज के साथ तो ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग बहुत इंटेंस हो जाती है, क्योंकि खेलने का प्ले का मतलब है उसमें रूल्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं आप कुछ भी करते रहिए, राइट। आप फुटबॉल भी ले लीजिए, उसके रूल्स हैं, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका स्कोरिंग है, उसी तरह अगर आप ये सेम फंडामेंटल अगर आप पढ़ाई में लगा दें तो आप ये देखेंगे कि खेलने का मतलब है कि ना उस लिमिटेशन के अंदर आपने छोड़ रखा है। आप रोनाल्डो या मेसी को ये नहीं बोलेंगे नहीं तू इस तरह ड्रिबल नहीं कर सकता, आप तो ये वाली शॉट नहीं मार सकता, आपने रूल डिजाइन कर दिए हैं कि फाउल क्या होता है, आउट ऑफ बाउंड्स क्या है और बाउंड्री क्या है, उसके अंदर खेलने दीजिए। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो प्ले स्कूल में जो ये फ्रीडम देते हैं बच्चों को मटेरियल से खेलने की, उसी तरह हमें बहुत तो ये अर्ली ऑन तो आना ही चाहिए, मतलब राइट फ्रॉम अर्ली पहले हमको फ्री प्ले देना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, फ्रॉम अर्ली लाइक फ्रॉम से ग्रेड किंडरगार्टन एंड ग्रेड 1 एंड 2, इसमें थोड़ा फ्री प्ले कीजिए, साथ में कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन एज दे ग्रो अप उनका मटेरियल विल बिकम मोर क्राफ्ट बेस्ड, विच मीन्स इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आज हम ये एक गुलदस्ता बनाएंगे, आपको पहले सिखाना पड़ेगा पेपर कटर कैसे यूज करते हैं, पेंसिल कैसे इस्तेमाल करते हैं, रूलर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कलर कैसे इस्तेमाल करते हैं, ब्रश को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिक टूल की अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी, वो टूल से क्या करेंगे वो फ्रीडम आपको अलग देनी पड़ेगी उनको। आप उनको पेंटिंग, ये एक पेड़ की पेंटिंग कैसे बनाने वो नहीं सिखाइए, वो तो आपने उनका इमेजिनेशन हाईली लिमिटेड कर दिया,
तो आप ना तो ब्रश के ऊपर जा रहे हैं, ना तो आप उनको टूल की अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ना आप उनको एक्सप्रेशन की फ्रीडम दे रहे हैं। आपको उनको टूल सिखाना है, आपको उनको सोचना नहीं सिखाना। मतलब आपको उनको ऑप्शन देने के लिए, तो आप सोच इस तरह से भी सकते हो, आप इस तरह से भी सोच सकते हो, आप उस तरह से सकते हो, क्या पाथ लेना है वो आपके ऊपर है। लेकिन टूल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अर्ली ऑन। व्हेन आई से अर्ली ऑन, इट डज नॉट मीन सेकंड थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड ऑनवर्ड्स स्टार्ट विद प्रॉपर टूल ट्रेनिंग फ्रॉम सिंपलर टूल्स लाइक सीजर एंड दिस थिंग, एंड व्हेन दे रीच से फिफ्थ सिक्स्थ ग्रेड यू कैन गो ऑन टू अ पेपर कटर ऑल्सो। डोंट बी स्केर्ड ऑफ यूजिंग दीज थिंग्स, बिकॉज जितना टाइम लगाएंगे उतना डर बढ़ेगा। जितना जल्दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्कूलिंग हैं जिसमें बहुत अर्ली ऑन कई सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ऑफकोर्स इसमें हमें अपना डिस्क्रेशन चाहिए कि क्या दे सकते हैं क्या नहीं, लेकिन ट्रेनिंग टूल की हमें ट्रेनिंग चाहिए, टेक्निक की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट चाहिए एट द सेम टाइम। गौरव, मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी कि जमीली खान सर ने पूछा है कि हाउ टू इंटीग्रेट आर्ट इन इंग्लिश क्लास। कोई कोई तकनीक है, तरीके हैं जो हम आर्ट को इंग्लिश क्लासेस में यूज कर सकते हैं? आई थिंक जमील सर आल्सो सर इस टाइम की 11th एंड 12th ग्रेड स्पेसिफिकली, क्योंकि ना स्पेशली 11th एंड 12th सीनियर ग्रेड्स में इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सर आई विल जस्ट से कि कुछ एग्जांपल हमने शेयर करे हैं कि आप एक दिन ना ड्रामा को इंक्लूड कीजिए, एंड आपको क्या करना पड़ेगा, क्विक रखिए सब कुछ। जब ग्रुप काम करता है ना, डोंट अंडर एस्टिमेट स्टूडेंट्स। 10 मिनट में भी लोग बनाते हैं। आप देखते हैं कि कई सारे स्कूल इवेंट्स होते हैं, हमारे स्कूल में था, उसमें था मैड आर्ट, नहीं मैड एड करके बोलते थे। मैड एड में क्या था कि आपको 5 मिनट में लाए, आपका थीम ये है, आपको मान लीजिए जिंको लक्ष्मी सो बार, आई एम जस्ट सेइंग रैंडम एग्जांपल, आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, आपको 5 मिनट के अंदर एक जिंगल भी बनानी है, आपको 5 मिनट के अंदर एक परफॉर्मेंस भी देना है। तो आई एम सेइंग कि अगर आपको कॉन्सेप्ट है, आपने मान लीजिए शेक्सपियर ही उठाया है, मान लीजिए अब उसका एक पैराग्राफ है, लेट डिफरेंट ग्रुप्स इनैक्ट डिफरेंट पैसेजेस, और उनको 5 से 6 मिनट ही मिला है, और फटाफट एक क्लास के अंदर 10 परफॉर्मेंस कर लीजिए या 6 परफॉर्मेंस कर लीजिए, आइदर वेज। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा आई एम सेइंग सिंगिंग, नाउ डेज यू विल नॉट इवन नो कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। कई सारे रैपर भी आपके पास होंगे, कई सारे पोएट भी आपके पास होंगे, कई सारे आर्टिस्ट भी होंगे, और आपको पता ही नहीं है। उसी तरह आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब ये भी है कि टीचर्स की कई सारी कैपेबिलिटी भी नहीं मालूम, स्कूल को ही नहीं मालूम, क्योंकि वो जिस सब्जेक्ट टीचर से आए, जो सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, जो उन्हें प्रायर एजुकेशन है, वो तो एक्सेप्टेड है, ठीक है ये इंग्लिश टीचर है, ये मैथ्स टीचर है, लेकिन वो भी स्कूल एक टाइम पे स्टूडेंट थे। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, हम सब एक टाइम पे स्टूडेंट थे, हम सब के टीचर्स थे, हम सबके टीचर्स थे जो अच्छे लगते थे, हम सबके कुछ ऐसे टीचर्स थे जो हमें अच्छे नहीं लगते थे। आप वहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे थी। ऑलराइट, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखिए, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप शेयर कीजिए कि कौन से टीचर के पास, कई सारे टीचर्स अच्छे आर्टिस्ट होंगे, कई सारे टीचर्स क्राफ्ट में अच्छे होंगे 20 साल पहले, लेकिन 20 साल से ब्रेक हो रखा है, कई सारे टीचर्स अच्छे डांसर्स होंगे, राइट। सो ये सारी स्किल्स सामने लेके आइए फॉर आर्ट इंटीग्रेशन। तो जमील सर माइट गो टू अ आर्ट टीचर बिकॉज आर्ट टीचर सॉरी माइट गो टू एन इंग्लिश टीचर बिकॉज इंग्लिश टीचर इज ऑल्सो म्यूजिशियन समथिंग। इसको ना इस तरह से जमील सर, अगर आप बैठेंगे अपने बाकी टीचर्स के साथ, मेक श्योर एक रिच एनवायरमेंट है ऑफ डिफरेंट स्किल सेट, अपने आप आइडियाज बाहर आने लग जाएंगे। सो म्यूजिक इंक्लूड कीजिए, डांस इंक्लूड कीजिए, ड्रामा इंक्लूड कीजिए, और आर्ट तो आप इंक्लूड कर ही सकते हैं। कलर्स और इमोशंस का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो नाउ इट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक। अब जो टीचर के क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इट ऑल्सो रिक्वायर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशॉप्स। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच गौरव जी, गुरुशाला संवाद पर आप आए। गौरव सर ने हमें कई दिलचस्प कला गतिविधियों के बारे में बताया, कैसे हम रंगों का और कला का उपयोग क्लासरूम में कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट क्लासेस के लिए। आशा है कि आप ये गतिविधियां अपने स्टूडेंट्स के साथ और गुरुशाला के साथ शेयर करना ना भूलेगा। गुरुशाला की टीचर कम्युनिटीज पे एक कम्युनिटी है, आर्टिस्ट कॉर्नर कम्युनिटी। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो भी क्लास में आर्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो ज़रूर करके गुरुशाला की टीचर कम्युनिटीज़ में ज़रूर पोस्ट करें। अगर हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने गुरुशाला की टीचर कम्युनिटीज़ का पेज खोल रखा है। कई सारी तरह तरह की कम्युनिटीज़ हम देख सकते हैं।
आर्टिस्ट कॉर्नर ज्वाइन करने के लिए मुझे सिंपली सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा। मैं यहाँ लॉग इन हूँ। ज्वाइन करने के लिए जब मैं ज्वाइन का बटन दबाऊंगी तो मैं डायरेक्टली लैक जो हमारी टीचर कम्युनिटी है वो ज्वाइन कर लूंगी। क्लिक करने के बाद जो आर्टिस्ट कॉर्नर का पेज है वो हमारे स्क्रीन पर आएगा। हम देख सकते हैं पहले से काफ़ी टीचर्स ने आर्टिस्ट कॉर्नर में पोस्ट कराया है, कैसे वो क्लासरूम में इंटीग्रेशन करते हैं। प्रियांजलि मैम ने आर्ट इंटीग्रेटेड लेसन के बारे में लिखा है। अर्पिता मैम ने कैसे वो क्लासरूम में आर्ट यूज़ करती हैं उसी के बारे में लिखा है। तो आशा है कि हमारी सभी टीचर्स आज हमारे साथ जो भी जुड़े थे ज़रूर अपनी क्लास में जो आर्ट इंटीग्रेशन हो रहा है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम ऐसे और भी वेबिनार्स आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें कि ऐसा कौन सा विषय है जिस पे आप चाहते हैं कि हम आगे आने वाले वेबिनार्स करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके पसंदीदा विषयों पर चर्चा करने की। इन केस यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, प्लीज़ लॉग ऑन टू गुरुशाला एंड विजिट आवर स्टाफ रूम एंड शेयर योर क्वेश्चंस विद अस देयर। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों को एक्सपर्ट्स तक पहुँचाएँ और आप सभी के सवाल आंसर ज़रूर हों। गुरुशाला से जुड़े रहिए और गुरुशाला के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने साथी टीचर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आशा है कि हम मिलते रहें और ऐसे विषयों पर चर्चा बनाते रहें। आप सभी को गुरुशाला की तरफ से सुखद शिक्षण, हैप्पी टीचर। थैंक यू गौरव सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू गुरुशाला।